या तोहमत नहीं लगाई जा रही, मेरा सवाल है भी नहीं है। दूसरों ने जब रेस किया है, जब एक कमेटी सवाल पूछती है और मफादात का तजाद का कोई भी भनक होती है, तो मैं समझती हूँ उसका शफाफियत से जवाब देना और उसको यकीनी बनाना अक्रॉस द बोर्ड हमारा फ़र्ज है इस तरह की कमेटी का। क्योंकि देखिए, टैक्स इसमें जो इस वक्त खसारा है, ख़ास तौर से टोबैको के हवाले से, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, खसारा इस वक्त 30 बिलियन से ज़्यादा है, अबाउट 35 बिलियन से ज़्यादा तजावज़ कर रहा है, ये बहुत बड़ा खसारा है। तो इसमें अगर गवर्नेंस लैप्सेस इस तरह की होंगी और शफाफियत नहीं होंगी, तो फिर हम अपनी जिम्मेदारियों से, मैं समझती हूँ, आंखें मोड़ रहे हैं और ज़रूरत है कि हम इस किस्म की ट्रांसपेरेंसी को कमिटीज़ के ज़रिए यकीनी बनाएं। अब ये रूलिंग फिर हो गई है कि एक हफ्ते में अक्रॉस द बोर्ड वो नाम देंगे कि अगर टोबैको इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, सीनियर लेवल का कोई रिश्तेदार, उसके नाम कम अज़ कम उसकी उस पर शफाफियत आ जाए, ताकि ये तय हो जाए। फिर आगे देख सकते हैं, शायद उनका कोई उसमें अमल दखल ना हो टैक्स के एग्जेम्पशंस में या जो भी, लेकिन इन बातों पर नज़रसानी और तवज्जो मबजूल करना तो हमारा काम है।